हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड शेडो को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो आपके ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, पारभाषी और पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, ये हमने देखा था। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि आपके दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक आपकी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी दीप्त वस्तु और दूसरी आपकी अदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनके बारे में हमने डिटेल में समझा था और ये देखा था कि किस तरीके से जो आपकी पारदर्शी वस्तु होती है वो अपने से लाइट को पूरी तरीके से पास होने देती है, अपारदर्शी बिल्कुल भी लाइट को पास होने नहीं देती और पारभाषी कुछ प्रकाश के कुछ अमाउंट को पास होने देती। इसी तरीके से हमने ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस यानी दीप्त और अदीप्त वस्तु के बारे में पढ़ा था। ये जाना था कि वह वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं वह आपकी दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, वही वह वस्तुएं जो आपके प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं वह आपकी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इनके हमने उदाहरण भी देखे थे। आज हम इसके जो आगे के कॉन्सेप्ट है यानी जो शेडो या छाया के कॉन्सेप्ट है उसे आज हम जानेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम शेडो के कॉन्सेप्ट को जान रहे थे। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि हमारे पास तीन प्रकार की वस्तुएं होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी। हमने ये देखा था कि जो पारदर्शी वस्तु होती है उसके आसपास लाइट पास हो जाती है, जैसे आपका कांच हो गया, पानी हो गया। अगर हम ट्रांसल्यूसेंट या पारभासी वस्तु की बात करें तो जैसे कि आपका बटर पेपर हो गया, ठीक है, तो ये वो वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश का या लाइट का कुछ अमाउंट पास हो जाता है, पूरा पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ से पास नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा था अपारदर्शी वस्तु। तो यह जो वस्तुएं हैं वो लाइट को ब्लॉक करने का कार्य करती है। ब्लॉक करना यानी यानी कि क्या कर देती है? लाइट को, प्रकाश को वस्तु से पास ही नहीं होने देती, पार ही नहीं होने देती है। अब इसके हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे आपकी खिलौने हो गए, ठीक है, हमने खिलौने देखे थे, साइकिल हो गई, टेबल हो गई, तो ये सब क्या है? आपकी अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट। अब क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, अपारदर्शी वस्तु है, इस पे क्या हो रहा है? प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, इस तरीके से लाइट पड़ी इस तरीके से। अब क्या हुआ, लाइट इस तरीके से पड़ रही है तो क्या होता है, इसके जो साइड से लाइट तो चली जाएगी क्योंकि वहां पे कुछ भी चीज नहीं है, लेकिन जो ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये अपारदर्शी वस्तु है, ये क्या करेगा? जो इस पर प्रकाश पड़ रहा है उसे रोक देता है। रोक देता है तो क्या होता है, हमें जो है एक डार्क कलर का पैच इसके पीछे दिखाई देता है। यहाँ पे दूसरी तरफ या किसी स्क्रीन पर एक आपको डार्क कलर का पैच दिखाई देगा, इसको हम क्या कहते हैं? शेडो या छाया कहते हैं। तो बेसिकली जब भी हम शेडो की बात करते हैं तो शेडो कैसी वस्तुओं से बनता है? आपके ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पार नहीं होता, जैसे पेड़, पौधे, किताबें, ठीक है, चिड़िया हो गई, इंसान हो गए, टॉयज हो गए, खिलौने हो गए, ठीक है, जितनी भी आपकी अपारदर्शी वस्तु हैं उनकी शेडो बनती है, उनकी छाया बनती है। आपने देखा होगा जब भी आप दिन के समय या जब जो है आसमान में सूर्य होता है, प्रकाश होता है, तो तब अगर आप कहीं खेत में या कहीं जो है आपकी जो है ग्राउंड है वहां आप खेल रहे होते हो, तो कई बार आपको आपके पीछे जो है एक ब्लैक कलर का पैच, आप ही के आकार का एक पैच, काले रंग का या डार्क रंग का, गहरे रंग का एक पैच दिखाई देता है, जो कि क्या होती है? आपकी छाया होती है। और जैसे जैसे आप चलते हो वैसे वैसे आपकी छाया भी चलती है। तो बेसिकली छाया क्या है? छाया जो है वो ओपेक या अपारदर्शी वस्तु के द्वारा बनाया जाता है
ये एक डार्क कलर का पैच होता है। और क्यों बनता है? क्योंकि जो आपकी अपारदर्शी वस्तु है उनसे जो है लाइट पास नहीं होती। अब इसके आप कुछ उदाहरण जो है देख सकते हैं। इनको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक अंधेरा कमरा रखना है, ठीक है। अगर आप एक अंधेरा कमरा रखेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, आप खिलौने रखेंगे, ठीक है, खिलौने रखेंगे, चिड़िया रखेंगे, ठीक है, चिड़िया का खिलौना हो गया, आपका जो है पेड़ हो गए, किताबें होंगे, उनको रखेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरीके से रखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका बल्ब है, कमरे का बल्ब है, और यहाँ पे आपने वस्तु रखी, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे कोई खिलौना रख दिया है, ठीक, कोई चिड़िया आपने यहाँ पे रख दी है। फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे तो आप इसकी दूसरी तरफ यानी इस तरफ आपको छाया दिखाई, तो आपको वहां पे जो भी आपने वस्तु रखी है, चाहे आपने एक खिलौने वाला पेड़ रखा है, चाहे आपने एक जो है खिलौना रखा है, किताब रखी है, उसकी छाया आपको दूसरी तरफ दिखाई देती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो खिलौने हैं ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, ये सब आपके अपारदर्शी वस्तु हैं, और ये क्या करती है, ये प्रकाश को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, और जिस कारण डार्क पैच बन जाता है। तो यहाँ पे हमें इस जो है जो आपकी एक्टिविटी है इससे हमें क्या पता चला, इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू शी शैडो। यानी अगर आपको जब भी शैडो देखनी है, जब भी आपको छाया देखनी है, तो छाया देखने के लिए आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, पहला लाइट का सोर्स, प्रकाश का स्रोत, जैसे बल्ब, या जैसे अगर आप ग्राउंड में हैं तो ग्राउंड में आपको क्या चाहिए, आपका सन होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए, यानी प्रकाश का कोई भी स्रोत होना चाहिए। नेक्स्ट ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु, जैसे आप ग्राउंड में भाग रहे हो तो आप क्या करोगे, एक अपारदर्शी वस्तु की तरह व्यवहार करोगे और आपकी छाया बनेगी। स्रोत क्या है, यहाँ पे स्रोत सूर्य है, अपारदर्शी वस्तु आप है, और छाया कहाँ बन रही है, आपकी ग्राउंड। इसी तरीके से रात के टाइम में अगर आपकी छाया बनती है तो वहां पे आपका ऊर्जा का स्रोत हो जाता है, या जो आपकी लाइट है उसका जो स्रोत हो जाता है वो आपका बल्ब होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह आप कार्य करते हैं, या जो भी वस्तुएं आपके कमरे में है। और शैडो कहाँ बनती है, फर्श पे और दीवारों। ऐसा लगता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पे बल्ब था, एक अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, खिलौने, ठीक है, इनकी आवश्यकता यहाँ पे होती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए रात के समय आप क्या करते हैं, आप लोग, आप आपके फ्रेंड्स जो है कहीं पे जो है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं ऐसी जगह पे जा, ठीक है, आप ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ पे पूरा अंधेरा है, लाइट नहीं है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाएंगे वहां पे, ठीक है, थोड़ा अंधेरी सी जगह हो आपके घर के पास ही, और वहां पे आप क्या करेंगे, एक टॉर्च और एक कोई स्क्रीन, स्क्रीन के रूप में आप कोई एक बड़ा सा कागज का टुकड़ा ले सकते हो, वो आप ले। अब आप क्या करेंगे, आप जो है बीच में खड़े हो जाएंगे और आप अपनी फ्रेंड को बोलेंगे कि इस टॉर्च को मेरे ऊपर, इसका जो इसको चला के मेरे ऊपर जो लाइट है वो डालो, ठीक है, और दूसरे फ्रेंड को आप ये कहेंगे कि ऐसा कीजिए कि आप जो आपके पास कागज है, कागज का बड़ा सा शीट है, उसको आप मेरे पीछे लेके खड़े हो जाइए। अब आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि आप टॉर्च को ऑन कीजिए और मेरे ऊपर जो है यहाँ पर मेरे ऊपर जो है प्रकाश डालिए, तो वो क्या करेंगी, टॉर्च ऑन करेंगी और लाइट आपके ऊपर डालेंगी। फिर आपकी जो फ्रेंड है पीछे जो खड़ी है वो स्क्रीन को या जो भी आपके पास कागज है, कागज की शीट है, उसे आपके पीछे रख देंगी। अब जैसे ही आपकी फ्रेंड जो आपके आगे खड़ी है टॉर्च लेके, वो आप पे प्रकाश डालेगी, आप पे जो है प्रकाश डालेगी या रोशनी डालेगी, लाइट डालेगी, तो क्या होगा, वो यह देखेगी कि पीछे जो कागज लगाया गया है उस पे एक डार्क सा पैच बन रहा है, एक गहरे रंग का जो है वहां पे पैच बन रहा है, जो कि आपी के आकार का है।
तो यहाँ पर हमें एक चीज पता चला कि आप जब शेडो बना रहे हो तो वो आपको कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, आपके पीछे जो रखे हुए कागज है उस पर। अब आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को बोलोगे जो आपके पीछे खड़ी है कि आप इस कागज को हटा दीजिए। जैसे ही वो हटाएंगी तो आपको आपकी शेडो वहां पे दिखाई नहीं देगी, ठीक है, कहीं आपको नीचे दिखेगी लेकिन ढंग से आपको आपकी शेडो ढंग से दिखाई नहीं देगी। फिर आप फिर से अपने फ्रेंड को बोलोगे जो आपके पीछे कागज लेके खड़ी थी कि आप हमारे पीछे कागज लेके खड़े हो जाइए, फिर आपको शेडो मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें जो शेडो है या जो छाया है वो कब प्राप्त हो रही है, जब हमारे पीछे एक स्क्रीन रखा जा रहा है, स्क्रीन के रूप में कोई कागज रखा जा रहा है या कोई पर्दा रखा जा रहा है, तो तब हमारी क्यों है, क्या हो रही है, शेडो या छाया बन रही है। तो यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी से ये पता चला कि जो आपकी छाया है, छाया बनने के लिए एक स्क्रीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, एक स्क्रीन की आवश्यकता होती है ताकि आपकी छाया बने, ठीक है, तो स्क्रीन आपको चाहिए होता है ताकि छाया बने। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत और एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो यहाँ पे स्क्रीन था वो हमने एक पेपर लिया, आपका स्क्रीन के तौर पे आप किसी दीवार को भी ले सकते हैं, बिल्डिंग, कोई फ्लोर हो, ठीक है, फर्श हो, कुछ भी आपका एक स्क्रीन की तरह एक्ट कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। अब ये जो एक्टिविटी है ये आपने कई बार की होगी, आपने अपने हाथों के माध्यम से हाथों को अलग अलग आकार में मोड़ के आपने छाया बनाई होगी, ठीक, जैसे आप अपने हाथों की उंगलियों को मोड़कर अलग अलग जानवरों के आकार या उसके जो शेडो है वो बना सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो शेडो होगी या जो छाया होगी वो आपको स्क्रीन पे प्राप्त होगी। आप देख सकते हैं अलग अलग आकार से यहाँ पे आपके अलग अलग प्रकार के जानवरों की छाया बनाई गई है, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें जो छाया प्राप्त होगी हाथों की वो स्क्रीन पे ही प्राप्त होगी, और हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीन है वो बेहद आवश्यक होती है शेडो के लिए, ताकि हमें शेडो या छाया दिखाई दे, ठीक है। अब हम इसके ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, यानी छाया हमेशा हमें स्क्रीन या पर्दे पर ही दिखाई देती है, पर्दे पर ही प्राप्त होती है। द ग्राउंड walls of a room, building and other such surfaces act as screen for the shadow you observe in daily life. यानी क्या कहा गया है, जैसे आपका ग्राउंड हो गया, दीवारें हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब चीजें किस तरह व्यवहार करती हैं, आपके स्क्रीन की तरह। और इन पर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा रोजमर्रा की जिंदगी में आपको इनके ऊपर शेडो बनती हुई दिखाई देती। अब अगर हम शेडो की बात करें तो हमने ये पढ़ा कि जो शेडो बनती है, जो छाया बनती है, वो वस्तु के आकार की ही होती है। जैसा वस्तु का शेप होगा, आकार होगा, वैसे ही क्या बनती है, छाया बनती है। पर कई बार क्या होता है, ये जो छाया होती है वो हमें वस्तु की क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। जैसे हमने कहा कि शेडो ढंग से हमें वस्तु के आकार या वस्तु की जानकारी पूरी तरीके से सही नहीं दे पाती है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हाथों को अलग अलग तरीके से मोड़ के, उंगलियों को अलग अलग तरीके से मोड़कर हमने जानवरों के आकार बनाए, जिससे क्या हुआ, हमें जानवरों की शेडो मिली। लेकिन जो यहाँ पे वास्तविक तौर पे जानवर तो नहीं है, कैसे बनी शेडो, हमने अपने हाथों को मोड़ा, उंगलियों को मोड़ा, तब जाके शेडो बनी, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक तौर पर जानवर नहीं है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, जो शेडो होती है, ठीक है, शेडो जो होती है वो हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती कि कौन सी वस्तु हमारे सामने खड़ी है, ठीक है। तो कई बार ये क्या करती है, मिसलीड करती है। या कई बार आपने देखा होगा अंधेरे में कोई पेड़ की छाया होती है तो आपको बहुत डरावनी सी छाया लगती है, आपको लगता है शायद वहां पे कोई है, ठीक है, पर वहां पे कोई होता नहीं। तो ये क्या हुआ, शैडो के कारण आपको भ्रम हो गया, ठीक है, तो भ्रम हो जाता है कई बार, ठीक है। शैडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो छाया होती है वो हमें वस्तुओं के आकार के बारे में जानकारी प्रदान करती है। Sometimes shadows can be mislead us about the shape of the object.
कई बार छाया जो होती है वो हमें वस्तु के आकार के लिए भ्रमित करती है। Few shadows that can create with our hands and make believe that they are shadows of different animals. हम क्या कर सकते हैं? कुछ छाया को अपने हाथों से बना सकते हैं जिससे हमें ये लग सकता है कि यहाँ जो है अलग अलग जानवरों की छाया है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार के अन्य सतहों आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। कुछ छाया दिखाई देती है जिन्हें हम अपनी हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। यानी क्या कहा गया है कि कुछ छाया हम अपने हाथों से बनाकर, अपने हाथों की उंगलियों को, हाथों को मोड़कर बनाकर हम जानवरों की छाया बना सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, भ्रम उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि छाया के बनने के लिए आपको एक जो है किसकी आवश्यकता है, अपारदर्शी वस्तु की। पहला है अपारदर्शी वस्तु। एक अपारदर्शी वस्तु की दूसरा जो है प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तीसरा आपको स्क्रीन की आवश्यकता होती है, जो कि आपका कुछ भी हो सकता है, पर्दा। ठीक है, चाहे आपका कागज का हो, चाहे कोई दीवार हो, चाहे कोई फर्श हो। ठीक है, ये आपका हो सकता है। और नेक्स्ट हमने क्या समझा कि जो आपकी छाया होती है वो भ्रमित कर सकती है, उससे आपको वस्तु के आकार का क्लियर इंडिकेशन नहीं हो पाता। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ शेडो की, यानी छाया किस तरीके से बनती है। छाया किस तरीके से बनती है इसको अब हम डिटेल में समझेंगे। अभी तक हमने जो है आपकी जो एक्टिविटीज है, जो भी आपकी एक्टिविटीज है, उनके माध्यम से हमने जाना कि किस तरीके से छाया बनती है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए होती है। अब हम इसे एक तरीके से एक साथ एक संक्षिप्त रूप में इसे समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ शेडो यानी छाया का बनना। ऑल द ओपेक ऑब्जेक्ट्स सीम्स टू फॉर्म अ डार्क शेडो ऑफ देयर ओन। यानी क्या देखा गया है, जितनी भी आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट होती हैं, जितनी भी आपकी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं, वो क्या करती है, स्वयं की गहरी छाया बनाती है या काली छाया बनाती है। यानी जितने भी आपके पास अपारदर्शी वस्तु हैं, सारी की सारी क्या करती हैं, छाया बनाती है। सभी अपारदर्शी वस्तुएं स्वयं अपनी स्वयं की एक काली छाया बनाती प्रतीत होती है। We need a source of light, an opaque object in the way and a screen to see a shadow. क्या कहा गया है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी आपको एक शेडो बनानी होती है, जब भी आपको एक छाया बनानी होती है, तो छाया के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक आपको लाइट का सोर्स चाहिए, यानी प्रकाश का स्रोत आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्क्रीन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। तो स्क्रीन भी हमें चाहिए होता है। क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु की एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि वो अपने से प्रकाश की किरणों को पास होने नहीं देती है। अब इस कारण क्या होता है, ये क्या करती है, जितना आपका ओपेक ऑब्जेक्ट का जो आकार होता है उतनी लाइट को रोक देती है। लाइट रुक जाती है तो क्या होता है, एक काले रंग का पैच बन जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ जो कि आपकी छाया की तरह, जो कि होता है आपकी छाया। ठीक है,
अब ये जो छाया है वो हमें किस पे प्राप्त होती है, स्क्रीन पे प्राप्त होती है। यानी जब भी छाया बनती है तो आपको एक प्रकाश का स्रोत चाहिए, दूसरा पारदर्शी वस्तु चाहिए, तीसरा आपको स्क्रीन की आवश्यकता होती है। तो ये तीन चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं ताकि शेडो बने, ताकि आपकी छाया बने। ठीक है, हमें प्रकाश के स्रोत, रास्ते में एक अपारदर्शी वस्तु और छाया देखने के लिए एक स्क्रीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका स्क्रीन। स्क्रीन क्या होता है, पर्दा क्या होता है? अब जब भी हम स्क्रीन की बात करते हैं तो स्क्रीन एक ऐसी सरफेस है या ऐसी सतह है जहां पर छाया बनती है। वह सतह कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, वह आपकी कोई कागज हो सकता है, कागज की शीट, कपड़े की शीट, आपका जो है फर्श हो सकता है, दीवारें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो स्क्रीन क्या है, स्क्रीन वह सतह है जिस पर क्या होता है, आपकी जो छाया है वो बनती है। ठीक है, और ये आपका कोई भी पेपर हो सकता है, कोई ग्राउंड हो सकता है, कोई दीवार भी हो सकती है। स्क्रीन दिस इज अ सरफेस ऑन विच द शेडो इज फॉर्म। ठीक है, स्क्रीन क्या है, स्क्रीन वह सतह है जहां पर छाया बनती है। इट मे बी अ वाटर पेपर और सिंपली अ ग्राउंड। ये एक बटर पेपर हो सकता है या फिर एक ग्राउंड भी हो सकता है। पर्दा स्क्रीन यह वह सतह है जिस पर छाया बनती है, यह एक बटर पेपर या ग्राउंड, बस ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम छाया की बात करें तो छाया हमें वस्तु के आकार का पता, मतलब उससे चलता है। ठीक है, जैसा आपकी वस्तु होगी वैसा ही आपकी छाया का आकार होता है। लेकिन यह देखा गया है कि कई बार यह जो आकार है वो हमें भ्रमित भी कर सकता है, यानी हमें क्लियर अंदाजा नहीं होता कि ये शेडो किस वस्तु की। ठीक है, मतलब हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि किस वस्तु की ये छाया है, लेकिन पूरी तरीके से हमें इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, शेडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो छाया होती है वो हमें वस्तु के आकार की जानकारी देती है, यानी कुछ जानकारी देती है। छाया हमें वस्तुओं के आकार के बारे में कुछ जानकारी देती है। अब जैसे हमने देखा कि जब हम अपने हाथों से अलग अलग शेप बनाते हैं, कई बार हमारी ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिनका हम एकदम से आकार बता नहीं सकते, कि आकार से कि शेडो से उसके बारे में बता नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम पूरी तरीके से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया उससे हो जाता है। द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ शेडो। अगर हम बात करें एक ओपेक ऑब्जेक्ट की, एक अपारदर्शी वस्तु की, तो जो अपारदर्शी वस्तु का जो कलर होता है वो जो है शेडो के कलर को इफेक्ट नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है टेबल है, एक टेबल है जिसका रंग जो है गहरा भूरा है, और एक और टेबल है जिसका रंग जो है वो आपका सफेद है। अब अगर दोनों की छाया बनेगी तो दोनों की छाया का जो रंग होगा वो सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु की छाया है वो वस्तु के रंग पर निर्भर नहीं कर रही, यानी कि आपका वस्तु का कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन छाया का कलर आपका हमेशा गहरा रंग का ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है जो लाल रंग की है, तो उसकी छाया भी आपकी डार्क रंग की ही बनेगी। ठीक है, गहरे रंग की ही बनेगी। आपके पास सफेद है, नीला है, पीला है, सारी जो भी वस्तुएं हैं जिस भी रंग की है उसकी छाया डार्क या गहरे रंग की ही बनती है। ठीक है, द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट इफेक्ट द कलर ऑफ शेडो। अपारदर्शी वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो यानी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है वो छाया के रंग को इफेक्ट नहीं डालता है, उसको प्रभावित नहीं करता है। ऑल द स्पेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट अप टू सम डिस्टेंस बिहाइंड इट सीम्स टू बी फिल्ड विद शेडो। ठीक है, क्या देखा गया है, यह देखा गया है कि जितनी भी आपके पास अपारदर्शी वस्तु होती है, ठीक है, जितनी भी आपके पास अपारदर्शी वस्तु होती है उसके पीछे जो है शेडो बनती है। ठीक है, उसके पीछे आपकी शेडो हमेशा बनती ही है।
क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि मान लीजिए हम हमारे पास कोई अपारदर्शी वस्तु है और इस पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है लाइट डाली। तो जब हम इस पे लाइट डालते हैं, ठीक है, हम इससे मान लीजिए लाइट डाल रहे हैं, तो क्या होता है, वो प्रकाश जो कि आपकी वस्तु से टकराता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइट होगा लेकिन पीछे क्या हो जाएगा, एक डार्क पैच बन जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी आपकी अपारदर्शी वस्तु है, कैसी भी वस्तु है, चाहे आपकी टेबल है, चेयर है, बेड है, कुछ भी है, सबके पीछे जब आप लाइट डालते हो तो उसके पीछे वाली तरफ, ठीक है, उसके पीछे जो जगह है वहां पे आपको छाया प्राप्त होती है। अपारदर्शी वस्तु के पीछे का सारा स्थान उसके पीछे कुछ दूरी तक छाया से भरा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश यहां से उत्सर्जित हो रही है इस तरीके से। ठीक है, अब प्रकाश उत्सर्जित होती है तो आपने पढ़ा है कि वो चारों तरफ फैलती है प्रकाश, और यहाँ पे कोई वस्तु आ जाती है बीच में। अब प्रकाश जो है वो तो आपकी इस तरीके से सारी जगह से इतनी सारी आपकी किरणें निकल रही हैं, तो क्या होता है, इस तरीके से जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस ओपेक ऑब्जेक्ट ने, इस अपारदर्शी वस्तु ने क्या किया, प्रकाश को रोक दिया। प्रकाश को रोका तो क्या हुआ, इसके पीछे यहाँ पे तक तो लाइट होगी लेकिन यहाँ पे एक पैच बन जाएगा इसी के आकार का, जो कि गहरे रंग का होगा। ठीक है, इस तरीके के गहरे रंग का होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपकी अपारदर्शी वस्तु होती है उसके पीछे जो है आपका शैडो बनता ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं पिन होल कैमरा की। तो पिन होल कैमरा क्या होता है ये अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एक्टिविटी के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि पिन होल कैमरे को आप कैसे बना सकते हैं। आपको क्या करना है, दो डब्बे लेने हैं। ठीक है, दो आपको लकड़ी सॉरी कार्डबोर्ड के आप दो डब्बे लेंगे, एक और आपको इस तरीके से लेना है कि एक डब्बा दूसरे डब्बे के अंदर घुस जाए, यानी उसका जो साइड का हिस्सा होना चाहिए ये कटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक में आप क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है उसमें आप एक छोटा सा छेद कर देंगे, दूसरे वाले में आप इस तरीके से एक जो है चौकोर कटआउट निकाल देंगे। ठीक है, एक स्क्वायर शेप का या वर्गाकार जो है वर्ग के आकार का जो है आप क्या कर देंगे, कटआउट निकाल देंगे। यहाँ पे आप एक बटर पेपर लगा देंगे। अब इसको, ये जो आपका छोटा वाला है, इसको आप क्या करेंगे, बड़े वाले के अंदर रख देंगे और ये कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए, और जो ये आपका छोटा वाला है वो आसानी से बड़े वाले डब्बे के अंदर स्लाइड होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले तो आप यहाँ पे इस तरीके से दो कार्डबोर्ड के जो डब्बे होने लेके आप इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको जिस भी वस्तु की इमेज चाहिए उसकी तरफ इसे फोकस करेंगे। ठीक है, फोकस करेंगे और ये जो आपका यहाँ पे बटर पेपर वाला जो ये वाला है आप देख सकते हैं, हाँ, तो फिर ये जो आपका यहाँ पे ये जो है ये आपका बटर पेपर है, ये स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, आपको जो है जैसे आपने ये पूरा बना दिया, अब आपको जिस भी वस्तु की इमेज चाहिए उसकी तरफ आप इसे फोकस करेंगे और इसे आप आगे पीछे मूव करेंगे ताकि ये जो आपका यहाँ पे बटर पेपर लगा है यहाँ पे इमेज बने। ठीक है, तो आपका जो है इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी और आपकी जो पिन होल कैमरे में इमेज बनेगी वो हमेशा आपकी इस तरीके से उल्टी इमेज आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आपका पिन होल है, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पे हमने पेड़ लिया है और इसकी इमेज आपकी कहाँ पे बन रही है, आपकी बटर पेपर पे। तो बटर पेपर क्या है आपका, ये क्या है आपकी स्क्रीन है, तो ये आपकी क्या है, स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन है और ये क्या है आपकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा ऑन स्क्रीन इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्या कहा गया है कि पिन होल कैमरे के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा वास्तविक और इन्वर्टेड होती है। वास्तविक क्यों कहा गया है, क्योंकि हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो आपको एक स्क्रीन पे प्राप्त हो रहा है जो कि यहाँ पे क्या है, बटर पेपर है, और इन्वर्टेड होता है यानी उल्टा हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
द इमेज इज जनरली स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें इमेज की, तो जो हमें इमेज बटर पेपर पे या स्क्रीन पे प्राप्त होता है वो ज्यादातर कैसा होता है, वो छोटा होता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है। स्क्रीन पर फिन होल कैमरे द्वारा बनाई गई छवि वास्तविक और उल्टी होती है। छवि आमतौर पर या जो प्रतिबिंब है वो आमतौर पर वस्तु के आकार से छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपकी पिन होल कैमरा की प्रॉपर्टीज है। आपको ध्यान रखना है कि पिन होल कैमरा से हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, आज हमने लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन जो आपका चैप्टर है, इसमें हमने ये देखा कि जो शेडो किस तरीके से बनती है, क्या क्या कंडीशन होती है शेडो बनने के लिए। साथ ही साथ हमने पिनहोल कैमरे के कॉन्सेप्ट को जाना, ये देखा कि पिनहोल कैमरे में हमारा जो इमेज है वो किस प्रकार से बनता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको इन टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।